ये तो गुड इवनिंग भाई, मैं भी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू योर व्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड मजे में होंगे। बाकी अपने विनय भाई, अपने राहुल भाई, आज हम दोबारा से मिंत्रा दी हांडी में आए खाना खाने के लिए, क्योंकि आज है विनय भाई का पापा जी का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे मामा जी, लेट हो गया, सॉरी। ओके तो हम अभी करते हैं पाची, अभी हम ऑर्डर लेने वाला ही नहीं आया है, अभी ऑर्डर लेने वाले आएंगे, ऑर्डर देंगे, खाना आएगा। लिटिल लिटिल सा व्लॉग बनेगा, ज्यादा 5-6 मिनट का बनेगा आई थिंक। नहीं सही है ना भाई, डेली का अपलोड हो जाएगा ना मेरा, सही है तो सही रहता है, मतलब अच्छा रहता है, मजा आता है व्लॉग बनाने में यार। तो फिर आप लोग कह रहे हो कितना बड़ा पिठा लगा है ये हनुमान जी का। आज मंगलवार था ना, तो मंदिर में हम जाते हैं, हनुमान जवाल को तूने लगाया है, इसका मेड गया राहुल, इस भाई ने भी लगा दिया है। हाँ मान के है ना, वो मंगलवार को यहाँ पे पूजा होती है, तो हम हर मंगलवार को मंदिर में जाते हैं, तो उस वजह से इस बार पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा पिठा लगा दिया। नहीं, तेरे जो था तूने यहाँ पे मेरा पिघला भी ना, नीचे को पिघला है, देखिए अभी नीचे को पिघल रहा है। कोई बात नहीं, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा है, एकदम पक्का हनुमान जी का भक्त लग रहा है। और हमने मतलब ऐसा है कि हमने नॉन वेज भी छोड़ दिया यार, विनय भाई तो पहले से नहीं खाता था, एक तारीख से छोड़ दिया था नए साल से, इस महीने की एक तारीख से मैंने भी छोड़ दिया है, कोशिश करिए मतलब छोड़ने की, अब देखते हैं कब तक रहता है ये कोशिश हमारी। और आई थिंक राहुल भाई ने भी छोड़ दिया, पता नहीं, मतलब इसका कन्फर्म नहीं है अभी, छोड़ दिया, बट हमारा कन्फर्म है कि हमने छोड़ दिया, मेरा भी छोड़ दिया। चलो ठीक है, राहुल भाई ने भी आएंगे तो यही आएंगे मेरे ख्याल से हम। राहुल ने भी बोल दिया कि छोड़ दिया, कब बर्थडे में, जब भी आएगा, कभी तो आएगा ही, अरे तो काम भी आएगा उसके बाद 2 दिन बाद तो मेरा भी बर्थडे होगा, अगर मैं यहाँ हाजिर होगा तो मैं तो पूरा बुक करूंगा। ये नहीं मतलब उस दिन तक महंगा लेना जाएंगे, ये भाई का बर्थडे शाम जो भी हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, पहले आती है वाटर, वेलकम ड्रिंक कहते हैं इसको हम, उसके बाद ये हमें गिलास दे दें। अभी जैसे हमारा मतलब हमारा जो डिनर है जो हमने ऑर्डर करा है, जैसे वो रेडी हो जाएगा तो उससे 2 मिनट पहले आएंगे हमें, और प्लेट सर्व करेंगे और स्पून फॉग वगैरह जो भी होता है, और तो उसके बाद उसको कहते हैं प्री प्लेट सर्विस करेंगे ये लोग भाई लोग अपने शिक्षा भी। अभी होटल मैनेजमेंट वाला है, ये भी होटल मैनेजमेंट वाला है, मैं भी होटल मैनेजमेंट वाला हूँ, ये F&B वाला है, मैं अब फ्रंट ऑफिस वाला हूँ, और ये है बार वाला, उसकी भी ब्रो नो आई थी पानी के थे तो डमी वेटर स्टेशन, मतलब हमारी सर्विस के टाइम पे जो मतलब जो कटलरीज जो मतलब जो हमें मतलब यूज पे आती है वो सब हमें इसको साइड पे रखे रहते हैं, ये रेस्टोरेंट के साइड पे होती है हमेशा। इनने वैसे तो ये सीढ़ी भी है, बट इनने मतलब अच्छा बनाया, मतलब कम जगह क्योंकि जहाँ प्लेस है वो छोटी सी प्लेस है, तो उसी वजह से इन्हें अपने एडजस्ट के लिए बनाया, बट अच्छा बनाया, ठीक है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, मतलब प्लेट, फोक, स्पून, बाउल और स्मॉल प्लेट, ग्लासेस, ये सब ये रखे रहते हैं साइड में, मतलब वाटर की बोतल भी रखी थी, नॉर्मल पानी मांगेंगे तो यहाँ से दे सकते हैं, नीचे रखे हमने देखो बिस्लेरी की, बट आजकल तो गर्मी का टाइम है तो हर कोई कोल्ड वाटर ही मांगता है, चिल्ड वाटर। विनय भाई की भी सिस्टर का फोन आ गया, तो हमारा ब्लॉग यही रहेगा, मतलब कि आज होटल के बारे में बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों राहुल भाई, ये भी जरूरी है क्यों, मतलब जितना हमें पता है, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से बता रहे, बाकी तुम्हें सही लगे तो ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ हम गलत भी बता सकते हैं कि आपका सर्विस नहीं, हम गलत बता रहे कि आपका कुछ गलत बता रहे, तो कमेंट में बता देना कि कहाँ पे गलत था, ताकि हम सीख जाए। क्यों राहुल भाई, बाकी राहुल भाई हम तीनों से ज़्यादा ज्ञान राहुल भाई के पास है इस चीज़ का अभी तक, इनका दूसरा महीना चल रहा है, इसका भी दूसरा महीना चल रहा है, मेरा आठवां महीना चल रहा है, अगले महीने में डिलीवरी चले जाएगा, अगले महीने में चले जाएंगे। ये देखो आठ महीने से इसने यही करा है, ये यही सीखा इसने, जब भी कभी भी हो तो ये ऐसे पकड़ा जाता है नीचे से, ये भाई ने पता नहीं कैसे पकड़ा और किसको दे रहा था, अरे कुछ नहीं करा उसने, फोन लगाया था इसने, स्टैंड लगाया था, फोन हटाने के चक्कर में, ये देखो सारा काम इनका, मेन्यू बुक भी इनने साइड रख दी, टिश्यू से पोंछ गया, कोई बात नहीं होता है, चलो लो। हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, वैसे कोल्ड ड्रिंक मंगा नहीं चाहिए, खाने से पहले नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले ऐसी कोई ड्रिंक खानी पीनी चाहिए जो मतलब भूख और ज़्यादा बढ़ाए, बट हम कोक पी रहे हैं, ये क्या होती है, भूख कम करते ताकि हमारा बिल कम आए,
हमारा आ गया, हमने मंगाया था पनीर बटर मसाला ना, पनीर बटर मसाला, थोड़ा सा सैलेड, प्याज दिया है इसमें और चटनी। मुझे यहाँ की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मुझे ये, क्योंकि मतलब इसका टेस्ट ही अलग है। पता है कि सर्विस हमारे विनय भाई करेंगे ना, ना विनय भाई राहुल भाई तो करेगा नहीं, राहुल भाई तो अपना गेम खेलने में ही मगन रहता है, मैं ही करूँ। तो लास्ट टाइम मुझे सर्विस करनी पड़ेगी, वीडियो क्यों बनाएगा। ओके तो हम करेंगे अब सर्विस, खाना शुरू करते हैं। विनय भाई भी शुरू कर रहा है, इसका तो अभी सर्व ही नहीं हुआ है, ये साला अपना गेम में ही लगे रहता है जब देखो। तो हम खाना ना शुरू करते हैं, उसके बाद खाना आने के बाद मिलते हैं। ना तो हो गया खाना फिनिश, राहुल भाई थोड़ा लेट शुरू कर रहा था तो थोड़ा लेट तक चलेगा भाई का, फिर भी बराबरी में टक्कर ही में विनय भाई, विनय भाई का भी बचा है थोड़ा सा। कंप्लीट कर हमारा खाना कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं बिल करते हैं। बिल देखो हमारा कितना कम आया, 444 आया, 444 अपना सुल्तान नाम। हम भी तीन चार भी तीन हमारा लकी नंबर चार, लकी का राहुल का लकी नंबर तो छः। चल भी चल ले, इसके बाद मुझे नींबू खाने की आदत है। यह है अपना राहुल भाई, विनय भाई ने पेटीएम कर दिया है दीदी की स्कूटी है। ये रही हमारी मिंद्रा दी आंटी, जहाँ राहुल भी एक ले आप वहाँ से बटवाइजर। ये देखो हनुमान जी का प्रसाद, हमारा मंदिर से आए थे, मैंने तो वही मंदिर में खा लिया था, ये नहीं खाया था प्रसाद, दरिद्र लड़की का बात है, प्रसाद वो खाने के लिए है, वो बचा के रखे क्या हो रहा है। ओके तो अब हम जाने लग गए रूम की ओर, को खाना खा लिया है नींबू के साथ, अपना राहुल भाई, अपना विनय भाई और मैं, और अब क्या ही बोलने यार जी भाई, रात का सीन देख लो, मस्त है, ठंडी ठंडी हवा, मेरा पिटा बहुत बड़ा लग रहा ना, अजीब से लग रहा ना, बट जय श्री राम, बॉल कितनी अच्छी लग रही है। विनय कह रहे बॉल ले ले थी एक बॉल। ओके तो ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है, 10 बज गया है समथिंग, अपने रूम पे जाके कपड़ा वपड़े चेंज करके आ गया था मैं, उसके बाद अब करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और अब कहीं जाना भी नहीं है, खाली सिंपल सा सोना ही है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए ब्लॉग के हर ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ दिन, टेक केयर, बाय बाय।